हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्षा आरजू की रसोई में। आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी। इसे मैं आज मैं बची हुई रोटी से बनाऊंगी। इस नाश्ते को मैं जो रोटी बच जाती उसी से आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी बेसन लिया है। हम बेसन को सबसे पहले इसका घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप लोगों को यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। इस तरह से मैंने इसको घोल लिया है। अब हम गैस पर एक पैन रखेंगे, इसमें एक चम्मच तेल डालकर इसको अच्छे से ग्रीस कर देंगे। अब मैंने जो रोटी ली है उसको हम थोड़ी इस तरह से तेल में अच्छे से ग्रीस करके इसको थोड़ी देर तक हम अच्छे से रोस्ट करेंगी। इस तरह से इसको घुमा घुमा कर हम थोड़ी देर तक अच्छे से इसको तेल में अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप लोगों को यह रेसिपी पसंद आए तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट में बताना आप लोगों को यह नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी है। अब जो बेसन मैंने घोल कर रखा है उसको इसके ऊपर से इस तरह से हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे। सारे बेसन को हम अच्छे से लगा देंगे इस रोटी पर। बहुत ही झटपट यह नाश्ता बन जाता है और यह नाश्ता बच्चों को बहुत पसंद आता है। इस तरह से मैंने सारा बेसन अच्छे से रोटी पर फैला दिया है। अब यहाँ पर हम इसकी टॉपिंग करेंगे तो यहाँ पर सब्जियाँ लगाएंगे। आपको जो भी सब्ज़ी पसंद हो आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर अच्छे से इसमें लगा दिया है। देखिए मैंने इस तरह से सारी सब्ज़ियाँ लगा दी। अब यहाँ पर मैं कुछ मसाले डालूंगी तो मसालों में मैंने यहाँ पर भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और काला नमक, सफ़ेद नमक डाला है। अब यहाँ पर हम चीज़ को मैंने इस तरह से थोड़ी घिस लिया था। अब चीज़ को हम डालकर बहुत ही अच्छे से इसको चारों साइड इसको अच्छे से कवर करेंगे चीज़ से, जिससे यह नाश्ता बच्चों को बहुत पसंद आता है। चीज़ की वजह से बहुत ही टेस्टी लगता है यह नाश्ता। इसको हम ढककर पकाएंगे। देख सकते हैं चीज़ हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट हो रही है। बहुत ही झटपट यह चीज़ मेल्ट हो जाती है। बहुत ही झटपट यह नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। देखिए बहुत ही अच्छे से चीज़ मेल्ट हो चुकी है। इसको हम एक प्लेट में निकाल कर मैं आप लोगों को काट कर दिखाती हूँ किस तरह से हमारा यह नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। अब यहाँ पर आप चाहो तो मैगी मसाला इस तरह से डाल दें, इससे इसका फ्लेवर दुगना हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से यह कट जाता है, बहुत ही आराम से। 5 मिनट में ही यह नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को यह रेसिपी कैसी लगी है। देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छे से, जो बेसन है वो पक चुका था क्योंकि मैंने इसको ढककर पकाया है। थैंक यू।